बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। रावलपिंडी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के पहले टेस्ट के पहले रोज़ इंग्लैंड ने 506 रन स्कोर करके अपना 112 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रूली और बेन डिकट ने अपनी टीम को जारहाना आगाज फराहम किया। दोनों ने पहले विकेट की शराकत में 233 रन स्कोर किए। बेन डिकट 107 जबकि जीक क्रोली 122 रन बनाकर नुमाया रहे। दीगर खिलाड़ियों में ओली पाप 108 जो रूट 23 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स 34 और हैरी ब्रोक 101 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानब से जायद महमूद ने 2 जबकि आरएस रऊफ और मोहम्मद अली ने 1-1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इनका कहना था कि कोशिश होगी कि पहले इब्तिदा में बेहतर खेल का मुजाहरा करके पाकिस्तान को अंडर प्रेशर में लाएं। इस मौका पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा था अगर टॉस जीतते तो पहले बैटिंग करने का फैसला करते। कौमी टीम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 4 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं जिनमें सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जायद महमूद शामिल हैं। और लास्ट में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपकी नवाज़े, शुक्रिया, वसलाम।